नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं हरे मटर की पूड़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। एक कटोरी मटर, एक हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, धनिया पत्ती, दो कटोरी आटा और ये थोड़ा सा तेल, जीरा, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। तो चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। ये हमने दो कटोरी आटा छान करके ले लिया है। आप अपने हिसाब से आटा ले सकते हैं, कम ज्यादा, जितना आपको पूरियां बनाना हो। अब हम इसमें डाल देंगे तेल और थोड़ा सा इसे मिला लेंगे हाथों से इस तरीके से। ये देखिए आटे में हमारा तेल पूरी अच्छी तरीके से मिल चुका है। अब इसमें डाल देंगे मटर और एक हरी मिर्च इसमें हमने डाली है और इसको पीस लिया है अच्छे से। इसको डाल देंगे इसी में और इसे भी थोड़ा सा इस तरीके से मिला लेंगे। अब इसमें डाल देंगे जीरा। जीरा ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। हल्दी पाउडर थोड़ा सा डालेंगे, बिल्कुल बहुत ही थोड़ा सा, नमक स्वाद के अनुसार। और ये हरी धनिया इसको हमने बारीक काट करके रख लिया है, इसको डाल देंगे। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। अगर आपको ज्यादा तीखा खाना है तो लाल मिर्ची भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने लाल मिर्ची नहीं डाली है। हमारी हरी मिर्ची अच्छी तीखी है और हमें ज्यादा तीखा नहीं चाहिए। पूरियां तो कम तीखी ही अच्छी लगती हैं, ज्यादा तीखी तीखी सी नहीं अच्छी लगती हैं, क्योंकि सब्जी के साथ खाते हैं तो सब्जी भी तीखी तो रहती ही है, तो इससे पूरियों को कम तीखा ही बनाते हैं। लेकिन अगर आपको पसंद है ज्यादा तो थोड़ा सा आप मिर्ची इसमें लाल मिर्ची डाल सकते हैं या हरी मिर्ची की क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा। पानी डालेंगे और इस तरीके से बाइंड करेंगे इसको। ये आटे का डो लग करके पूरा अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। ये देखिए इतना ऐसे लगाना है, ज्यादा इसको वो नहीं करना है। और हम इसमें लगा देंगे तेल, तरह से तेल लगा के और थोड़ी देर के लिए इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब हम आटा को खोल करके चेक करेंगे कि फूला है कि नहीं, थोड़ी देर हो गई है। और इसे इस तरीके से थोड़ा सा हम और मसल लेंगे। तो हम ले लेंगे पीढ़ा, ये देखिए, और थोड़ा सा आटा कप तोड़ेंगे इस तरीके से। और इसकी इस तरीके से छोटी छोटी डोइयां तोड़ लेंगे। आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी डोइयां कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इतनी बड़ी लोई तोड़ी है। ये देखिए सारी हमने लोइयां बना ली है। अब हम इसको बेल देंगे, एक एक लोई उठाएंगे इस तरीके से और हम इसे इस तरीके से गोल कर लेंगे। ये देखिए अब हम इसमें लगा लेंगे थोड़ा सा सूखा आटा और लोई के इस तरीके से बड़ी कर लेंगे। आप चाहे तो इसकी जगह तेल भी लगा करके आप बेल सकते हैं पूरियों को, लेकिन अगर आपसे नहीं बन रही है तो सूखा आटा आप लगा सकते हैं। और इस तरीके से बेलेंगे इसको बिल्कुल किनारे से। ये देखिए हल्के हाथों से, ज्यादा हमको जोर नहीं लगाना है। फिर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे और फिर बेलेंगे इसको इस तरीके से। अब बीच में बेल लेंगे थोड़ा सा। ये देखिए एक पूरी हमारी बेल चुकी है। इसी तरीके से सारी पूरियों को हम बेल करके तैयार कर लेंगे। गैस पे पैन चढ़ा दिया है और गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में और तेल को थोड़ी देर गर्म हो जाने देंगे। देखिए थोड़ा सा आटा डाल करके चेक करेंगे कि तेल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं। आटा ऊपर आ गया, इसका मतलब तेल हमारा गर्म हो गया है, हमें इतना ही गर्म तेल चाहिए। अब हम इसमें डाल देंगे पूरियां। ये हमने एक पूरी डाल दी, थोड़ा सा इस तरीके से कर देंगे ताकि फूल जाए अच्छे से। पलट देंगे इसे, अब इसे निकाल लेंगे तो किनारे में लगाएंगे पहले ताकि इसका पूरा तेल अच्छे से निथर जाए। ये हमारी बहुत ही टेस्टी हरी मटर की पूड़ियां बनकर के तैयार है। बनाने में बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले।